पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। आपके ऐसे पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है। हम करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे अपने एक हाथ की ऐसे मुट्ठी बांध लें और अंगूठे के मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपनी नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लें और दूसरे हाथ को ऐसे अपनी मुट्ठी के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने पेट के अंदर की तरफ पिचकाते हुए श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाना है और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। सुंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही फिर दूसरी हथेली से भी करते हैं। ऐसे अपने हाथ की मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख रहे हैं और श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शशांक भुजंग आसन। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं। ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आएं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन, श्वास अंदर भरते हुए भुजंग आसन, श्वास छोड़ते हुए शशांक। ऐसे ही से कम 8 से 10 बार कीजिए। यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारी पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को कितना भी पुराना कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत हो, वह इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे, सेंटर में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शशांक आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए और अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं। और जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और फिर शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में जितना स्पेस आप कर सकते हैं उतना स्पेस कर लेते हैं और आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे अपने हिप्स को जमीन पर सटाते हुए ऐसे बैठ जाना है। और सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराते हुए अपने ऊपरी शरीर को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करें। और कम से कम 2 से 2 मिनट तक आप इस न्यू शशांक आसन की पोजीशन पर रह सकते हैं। इस अभ्यास को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी एक आरामदायक स्थिति में कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर से आलस्य दूर होता है और हमारा शरीर शांत होता है। इसके बाद शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन शशांक
को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाएं और फिर अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लें और ऐसे अपने घुटनों के जितने समीप आप रख सकते हैं ऐसे रख लें और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से रखते हुए इस अभ्यास को ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में कीजिए। ये फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पीछे से ऐसे रख लें सुंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही से दो से तीन बार कीजिए।